नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रायो सर्जरी के बारे में। दोस्तों, क्रायो सर्जरी जो है वो स्किन के ऊपर असामान्य ग्रोथ और शरीर के अंदर के ट्यूमर को नष्ट करने के लिए की जाती है, जिसमें कि आर्गन गैस या फिर नाइट्रोजन लिक्विड का इस्तेमाल किया जाता है। शरीर के बाहर की असामान्य ग्रोथ के इलाज के लिए स्प्रे डिवाइस या फिर रुई के फाहे से कोल्ड गैस को लगाया जाता है, जबकि अंदरूनी ट्यूमरों का इलाज प्रोब नामक उपकरण से किया जाता है और इसे स्किन पर छोटा सा टाका लगाकर अंदर डाला जाता है। अल्ट्रासाउंड और एमआरआई जैसी तकनीकों की मदद से प्रोब को ट्यूमर पर लगाया जाता है और अंदरूनी ट्यूमरों के इलाज के लिए ओपन सर्जरी भी की जा सकती है। हालांकि इसमें बड़ा कट लगाना पड़ता है और सर्जरी वाले दिन अस्पताल से छुट्टी लेकर घर जा सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि क्रायो सर्जरी क्या होती है। तो क्रायो सर्जरी या फिर क्रायो एबलेशन, वो जो प्रक्रिया है उसमें बहुत तेज ठंडे तापमान से शरीर के अंदर के बीमारी वाले ऊतकों यानी कि टिश्यूज या फिर क्षतिग्रस्त हो चुके असामान्य ऊतकों को जमा दिया जाता है। हालांकि इस प्रक्रिया को शुरू में शरीर के बाहर मौजूद ट्यूमर और असामान्य ऊतकों के इलाज के लिए विकसित किया गया था, आजकल शरीर के अंदर के ट्यूमरों को भी इससे नष्ट किया जाता है। हालांकि क्रायो सर्जरी सिर्फ एक जगह के ट्यूमर का ही इलाज करती है और इसमें आसपास के ऊतकों या अंगों में फैले ट्यूमर को खत्म नहीं किया जा सकता। इस प्रक्रिया के दौरान बीमारी वाले ऊतक को हाई प्रेशर से आर्गन गैस या फिर लिक्विड नाइट्रोजन यानी कि कोल्ड गैस से जमा दिया जाता है। बहुत ज़्यादा ठंड से कुछ तरह से ऊतकों को खत्म किया जाता है, जैसे कि लिथल आइस क्रिस्टल बनाकर, जो कि -40 डिग्री सेल्सियस पर कोशिकाओं के अंदर किया जाता है, या फिर कोशिकाओं के बाहर फ्लूइड में आइस बनाकर, और इससे कोशिकाओं में डिहाइड्रेशन हो जाती है, या फिर कोशिकाओं से पानी निकालना जिससे कि कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं, कोशिकाओं के अंदर आइस की चौड़ाई को बढ़ाकर जिससे कि कोशिकाएं फट जाती हैं, और साथ ही साथ रक्त वाहिकाओं के अंदर आइस बनाकर जिससे कि टिश्यूज़ में जो खून की सप्लाई है वो रुक जाती है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि क्रायो सर्जरी जो है ये क्यों करवाई जाती है। तो दोस्तों, कुछ स्थितियों में इस सर्जरी की सलाह दी जाती है, जैसे कि त्वचा से जुड़ी समस्याएं, जैसे कि धूप की वजह से स्किन पर भूरे रंग के धब्बे होना, कैंसर से पहले स्किन पर तिल बनना, स्किन टैग्स, नोड्यूल, मस्से या फिर स्किन ट्यूमर। साथ ही साथ रेटिनो ब्लास्टोमास के लिए भी इसकी सलाह दी जाती है, जिसके लक्षणों में है जैसे कि आँखों की रोशनी कम होना, बेंगापन होना, आँखों का लाल होना या फिर आँख की जो पुतली है उसका रंग बदलना। लीवर कैंसर में भी करवाई जाती है, जैसे कि उसमें पेट के अंदर गांठ बनना, भूख कम होना, थकान होना, आंखों और स्किन का रंग पीला पड़ना या फिर फ्लू जैसे लक्षण दिखना। सर्वाइकल कैंसर में भी इसकी सलाह दी जा सकती है, जैसे कि उसके लक्षणों की बात करें तो योनि से असामान्य ब्लीडिंग या डिस्चार्ज होना, और धड़ के निचले हिस्से में दर्द होना या फिर सेक्स के दौरान दर्द होना, प्रोस्टेट कैंसर और फेफड़ों, किडनी, ब्रेस्ट और हड्डियों में ट्यूमर होना। तो ऐसी कुछ स्थितियों में क्रायो सर्जरी की सलाह दी जा सकती है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि क्रायो सर्जरी जो है वो कौन नहीं करवा सकता है। तो कुछ ऐसी स्थितियां हैं जिसमें कि सर्जरी की सलाह नहीं दी जाती है, जैसे कि क्रायोफाइब्रिनोजेनेमिया या फिर राइनर्ड डिसीज, मल्टीपल माइलोमा, क्रायोग्लोबुलिनेमिया, साथ ही साथ कोल्ड अर्टिकारिया या फिर नियोप्लाज्मा, या फिर ऑपरेशन वाले जगह में पहले ठंड की वजह से चोट लगना, या फिर रक्त प्रवाह खराब होना, या फिर किसी को प्राइमरी लीवर ट्यूमर है। तो ऐसी कुछ स्थितियों में जो है क्रायो सर्जरी कराने की सलाह नहीं दी जाती है। अब हम दोस्तों जानेंगे कि क्रायो सर्जरी से पहले क्या क्या तैयारियां की जाती है, क्या प्रिपरेशन हो सकती है। तो सर्जरी से कुछ दिन पहले चेकअप के लिए आपको अस्पताल जाना होगा, जिस दौरान आपको कुछ चीज़ें बतानी होगी, जैसे कि आपकी मेडिकल हिस्ट्री, पहले एलर्जी रही है या नहीं, एनेस्थेशिया की हिस्ट्री, प्रेग्नेंट तो नहीं है, और जो भी दवा, जड़ी बूटी, विटामिन या डॉक्टर के पर्चे के बिना मिलने वाली दवा ले रहे हैं तो उसे डॉक्टर को बताएं। आप सर्जरी करवा सकते हैं या नहीं ये जानने के लिए कुछ टेस्ट भी करवाए जाएंगे, जैसे कि ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट और प्रेगनेंसी टेस्ट। और सर्जरी के लिए कुछ निर्देश भी दिए जाएंगे, जैसे कि सर्जरी से एक रात पहले वारफरीन, आइबुप्रोफेन या खून पतला करने वाली दवाएँ न लें, और रोज़ सिगरेट पीते हैं तो बंद कर दें। सर्जरी से एक रात पहले कुछ भी खाए पिए नहीं, इससे कि सर्जरी के दौरान एनेस्थेशिया से उल्टी नहीं होगी। सर्जरी के बाद घर ले जाने के लिए कोई दोस्त या परिवार का सदस्य होना चाहिए, और अगर आपको सर्जरी से कुछ दिन पहले फ्लू, जुकाम या फिर बुखार हुआ है तो सर्जरी टालनी पड़ सकती है। ऑपरेशन से पहले नहा लें और मेकअप, ज्वेलरी या नेल पॉलिश उतार दें, और साथ ही साथ प्रक्रिया से पहले आपसे एक फॉर्म साइन करवाया जाएगा।
और अब हम दोस्तों जानेंगे कि क्रायो सर्जरी जो है वो कैसे की जाती है। तो अस्पताल पहुंचने के बाद आपको हॉस्पिटल गाउन पहनाई जाएगी और बाह में ड्रिप लगाकर जरूरी दवाएं और फ्लूइड दिए जाएंगे। अगर शरीर के ऊपर मस्से और अन्य असामान्य उत्तकों के इलाज के लिए क्रायो सर्जरी की जा रही है तो कुछ तरीके से सर्जरी की जाती है, जैसे कि जिस जगह का ऑपरेशन होना है वहां पर लोकल एनेस्थेसिया दिया जाएगा और छोटे चाकू से असामान्य उत्तक या फिर मस्से को काट दिया जाएगा। और अब स्प्रे असामान्य उत्तक को जमाने के लिए लिक्विड नाइट्रोजन को स्प्रे किया जाएगा या फिर मस्से पर स्प्रे डिवाइस या फिर रुई के फाहे से असामान्य उत्तक को जमा दिया जाएगा। फिर सर्जन उत्तक को पिघला देंगे और फिर उसे ठंडा कर देंगे और ऐसा 2 से 3 बार किया जाएगा। हर एक प्रक्रिया के बीच 1 से 3 हफ्ते का अंतर होगा और इलाज में कई प्रक्रियाओं की जरूरत पड़ सकती है। और दोस्तों यदि शरीर के अंदर के ट्यूमरों को नष्ट करने के लिए ये सर्जरी की जा रही है तो इसमें कुछ और तरीके से स्किन के जरिए ऑपरेशन होगा, जैसे कि बाह में सुई लगाकर मरीज को बेहोश कर दिया जाएगा और कुछ मामलों में जनरल एनेस्थीसिया देकर बेहोश किया जाता है। और अब जिस जगह प्रोब डालना है उस हिस्से की स्किन को साफ करके वहां से बाल हटाए जाएंगे और फिर वहां पर एक छोटा कट लगाया जाएगा। प्रोब को इस कट से अंदर डालकर उसे ट्यूमरों के पास ले जाया जाएगा और डॉक्टर जो है वो अल्ट्रासाउंड MRI या फिर CT स्कैन से शरीर के अंदर प्रोब डालकर तस्वीरें लेंगे और प्रोब के ट्यूमर तक पहुंचने पर सर्जन जो है वो आर्गन गैस या फिर लिक्विड नाइट्रोजन से प्रभावित उत्तक को जमा देते हैं और आइस बॉल बना देंगे और जमाने के बाद उस हिस्से को पिघला दिया जाएगा और इस तरीके को कई बार दोहराया जाएगा। इसके बाद प्रोब को हटा दिया जाता है और डॉक्टर जो है वो टांके की बजाय कट पर बैंडेज लगा देंगे। बड़े ट्यूमरों के इलाज के लिए शरीर के अंदर कई प्रोब डाले जाएंगे, जैसे कि प्रोस्टेट कैंसर के इलाज के लिए 6 से 8 प्रोब डाले जाएंगे। गर्भाशय ग्रीवा में ट्यूमर के इलाज के लिए क्रायो सर्जरी की जा रही है तो योनि से प्रोब डाला जाएगा और सर्जरी के दौरान और इसके बाद लगातार शरीर के तापमान को मॉनिटर किया जाएगा, क्योंकि लो बॉडी टेम्परेचर क्रायो सर्जरी का साइड इफेक्ट होता है। अंदरूनी ट्यूमरों को निकालने के साथ बड़ा कट लगाकर ओपन सर्जरी की जाती है। हालांकि ओपन सर्जरी की तुलना में परक्यूटेनियस तरीके में छोटा कट लगाने की जरूरत होती है और इसमें आसपास के स्वस्थ उत्तकों को कम ट्रोमा होता है और कम डैमेज होता है। सर्जरी के बाद बाह में लगी ड्रिप को निकाल दिया जाएगा और इस सर्जरी में 1 से 3 घंटे का समय लगेगा और आप उसी दिन घर जा सकते हैं। क्रायो सर्जरी से अंदरूनी हिस्से के ट्यूमरों को नष्ट करने में मदद मिलती है और इन्हें निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सफेद रक्त कोशिकाओं से प्राकृतिक रूप से नष्ट किए उत्तक जो है वो हट जाते हैं। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि क्रायो सर्जरी जो है उसके बाद देखभाल कैसे की जा सकती है। तो दोस्तों अस्पताल से छुट्टी मिलने से पहले ऑपरेशन वाली जगह की देखभाल के लिए कुछ खास निर्देश दिए जाएंगे। अगर स्किन के अंदर असामान्य ग्रोथ के इलाज के लिए सर्जरी की जा रही है तो सर्जरी वाली जगह पर छाला बन जाएगा और सर्जरी वाली जगह को आपको सूखा रखना होगा और साफ पट्टी लगानी होगी। अगर छाला फट रहा है तो इस पर एंटीसेप्टिक क्रीम लगाएं और छाले के ऊपर पपड़ी आ जाएगी जो कि 2 से 3 हफ्ते के बाद हट जाएगी। अगर ऑपरेशन वाली जगह पर सूजन हो रही है तो डॉक्टर दर्द निवारक दवा और स्टेरॉइड ऑइंटमेंट लिख सकते हैं। सर्जरी के बाद पूरी तरह से ठीक होने में 6 हफ्ते लग जाते हैं और प्रीक्यूटेनियस क्रायो सर्जरी के बाद आप 1 से 3 दिन के बाद रोजमर्रा के काम कर सकते हैं। ओपन क्रायो सर्जरी में 7 से 10 दिन लग सकते हैं और इस प्रक्रिया से स्किन से और शरीर के अंदर किसी हिस्से से असामान्य और कैंसर से पहले आने वाली ग्रोथ को हटाने में मदद मिलती है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि आपको डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए। तो सर्जरी के बाद कुछ ऐसे लक्षण आपको अगर दिखें, जैसे कि बुखार या फिर ऑपरेशन वाली जगह से स्किन तक लाल स्ट्रिक्स फैल जाएं या फिर स्किन पर असामान्य उत्तक की दोबारा ग्रोथ हो जाए, गंभीर सूजन या दर्द का दवा से ठीक न होना, ऑपरेशन वाली जगह पर छूने पर दर्द होना, लालिमा होना या गरमाई का बढ़ना, साथ ही साथ घाव से असामान्य डिस्चार्ज होना, तो ऐसी स्थिति में आपको सर्जन को दिखा लेना चाहिए। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि क्रायो सर्जरी से क्या क्या नुकसान या जटिलताएं या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं या क्या क्या इसके रिस्क हैं। तो दोस्तों इस प्रक्रिया से कुछ संभावित जटिलताएं और जोखिम जुड़े हो सकते हैं, जैसे कि इन्फेक्शन, लालिमा और सूजन, छाले होना, दर्द, स्कार होना, सनसनाहट महसूस न होना, स्किन का रंग उड़ना, स्किन पर सख्त और गोल ग्रोथ बनना या फिर जनरल एनेस्थीसिया से लंग इन्फेक्शन, हार्ट अटैक और उलझन जैसी परेशानियां होना। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि क्रायो सर्जरी के बाद डॉक्टर के पास चेकअप के लिए आपको कब जाना है।
तो सर्जरी के बाद अस्पताल से छुट्टी मिलने से पहले आपको बताया जाएगा कि आपको कब चेकअप के लिए आना है और आपके ब्लड टेस्ट, शारीरिक जांच और इमेजिंग टेस्ट करवाकर देखा जाएगा कि टांके वाली जगह ठीक हुई है या फिर नहीं। दोस्तों, ये जो हमने जानकारी दी है, संपूर्ण जानकारी शैक्षिक दृष्टिकोण से दी गई है और ये डॉक्टरी सलाह का कोई भी विकल्प नहीं है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को जरूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।